बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें सामने आ रही थीं और अब कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं कि जो इस वक्त की बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी हुई कि अब फरवरी महीने में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फरवरी के पहले हफ्ते में ये विस्तार किया जाएगा। बीते दिनों जिस तरीके से जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे, उस मौके पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। और इससे पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे तो उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। माना ऐसा जा रहा है कि उन बैठकों में, उन मुलाकातों में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा भी की गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में आधा दर्जन नए चेहरों के शामिल होने की खबर है। तो योगी मंत्रिमंडल का ये तीसरा विस्तार होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में जो योगी का मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार की खबरें बीते कुछ दिनों से जिस तौर पर चल रही थी उसमें अलग अलग तरह की कयासाराई हुई थी, हो रही थी, अलग अलग नामों को लेकर के चर्चा की जा रही थी। अब माना यह जा रहा है कि करीब आधा दर्जन नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मगर उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, किन लोगों को हटाया जाएगा मंत्रिमंडल से, किन लोगों को निष्कासित किया जाएगा या किन लोगों के विभाग कम किए जाएंगे और दूसरे चेहरों को लाया जाएगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ऐसी स्थिति में करीब करीब एक हफ्ते के भीतर माना ऐसा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। तो बीते दिनों जिन जिन नामों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और ऐसे में खास तौर पर गुजरात काडर से एक अधिकारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पहुंचते हैं, पीएम मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिनको विधान परिषद का मेंबर भी बनाया गया और ऐसी स्थिति में क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अटकलों का बाजार, कयासाराई का बाजार तो उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्म है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्षी लोग हों, हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है, मगर वो चेहरे कौन होंगे। करीब छह नए चेहरे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में, माना ऐसा जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल नए स्वरूप में दिखेगा और ऐसे में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। अब तक 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल बना उसके बाद में ये तीसरा विस्तार होगा फरवरी के पहले हफ्ते में।